नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सीटेट, रीट और राजस्थान के ऑल कंपटीशन एग्जाम जो टीचर एजुकेशन के हैं उनके लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। इस वीडियो को ध्यान से सुने क्योंकि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसके लिए मेरे इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। आज अपना टॉपिक है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक जो है उसका अर्थ होता है जिनकी मानसिक आयु अपने औसत बालकों से अधिक हो उसे हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया भी था कि जो विशिष्ट बालक है, जो कि क्या है, विशिष्ट बालक है जिनको विशिष्ट आवश्यकताओं की नीड्स होती है, इन विशिष्ट बालकों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। मानसिक बुद्धि के आधार पर विद्यार्थियों को हम प्रतिभाशाली, औसत और मंद बुद्धि बालक में बांट सकते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालकों का ही एक पार्ट है, एक श्रेणी मानी जाती है। मानसिक बुद्धि को लेकर के सबसे पहले बीने ने अपने विचारों को स्पष्ट किया और मानसिक बुद्धि शब्द का अभ्युदय करने वाले बीने साहब ही थे। बाद में आकर के टर्मन और स्टर्न ने मानसिक बुद्धि लब्धि पर क्या किए, परीक्षण किए। मानसिक बुद्धि लब्धि पर जो परीक्षण किए गए उनके आधार पर पहचाना टर्मन ने कि जिनकी बुद्धि लब्धि 140 के आसपास है, 140 है या 140 से ऊपर है, वो सभी बालक प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो क्या सुना आपने? आपने सुना कि प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालकों का ही एक प्रकार है। मानसिक बुद्धि के आधार पर अगर हम विशिष्ट बालकों का विभाजन करें तो विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालक, औसत बालक और मंद बुद्धि बालक आते हैं। और मानसिक दृष्टि से बालक कैसा होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, इसके आधार पर हम प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर सकते हैं, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। आज हम समझेंगे प्रतिभाशाली बालक कौन होता है। तो औसत बालक से अधिक जिनकी मानसिक आयु होती है वो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। और प्रतिभाशाली बालकों के बारे में अनेक विद्वानों ने, अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं दी है, जिसमें सबसे सुंदर और स्पष्ट परिभाषा है हेविंगहर्स्ट साहब की, जो कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछी गई है। विद्यार्थियों, समाज के किसी भी कार्य क्षेत्र में निरंतर कार्य कुशलता का परिचय जब दिया जाता है तो उसे हम बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। तो प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? उन्हें कहते हैं जो समाज के किसी भी कार्य क्षेत्र में निरंतर कार्य कुशलता का परिचय देते हैं, वो बालक कौन से बालक कहलाते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। उसके बाद आता है अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ साहब ने भी प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं बताई है और कहा है प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है वो बालक, जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है वो बालक प्रतिभाशाली है, ये कहा अब्दुल रऊफ साहब ने। उसके बाद टर्मन जिन्होंने मानसिक बुद्धि लब्धि का परीक्षण किया और सूत्र भी दिया, उन्होंने कहा कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 या उससे ऊपर है वो बालक प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद कॉलेस्टिक ने कहा कि प्रतिभाशाली बालक वो है जो अपनी आयु स्तर के बालकों में किसी योग्यता में अधिक होते हैं। अपनी आयु स्तर के बालकों में किसी योग्यता में अधिक होते हैं वो बालक प्रतिभाशाली है, ये कहा कॉल सैनिक ने। और ये परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीटेट और नीट में कई बार इसमें पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा ये किसने दी?
अपनी आयु स्तर के बालकों से किसी योग्यता में अधिक होना ही प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। ये परिभाषा देने वाले थे कॉल सैनिक साहब। उसके बाद आता है पसरीचा साहब ने कहा कि जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ होते हैं, अधिक होते हैं, वो बालक प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद वीटी ने कहा कि जो प्रतिभाशाली बालक वो है जो संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व तथा दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। प्रतिभाशाली बालक कौन है? जो कला, संगीत, सामाजिक नेतृत्व और जो दूसरे विभिन्न योग्यताएं हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो बालक है उनको हम क्या कहा जाता है? उनको प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। लास्ट में जिसकी परिभाषाओं को कई बार पूछा गया है, सिम्पसन और ल्यूकिन ने कहा कि जिनका नाड़ी संस्थान श्रेष्ठ होता है वो बालक प्रतिभाशाली कहलाते हैं। ये कहा सिम्पसन और ल्यूकिन ने। उसके बाद की परिभाषा है क्रिक साहब की। क्रिक ने क्या कहा? क्रिक ने कहा कि तथ्यों, विचारों व संबंधों के साथ कार्य पूरा किया जाता है। जो बालक पूरा करता है उन बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ये परिभाषा दी किसने? क्रिक साहब ने। तो आपने देखा जो मानसिक आयु में अपने औसत बालकों से अधिक होते हैं वह बालक प्रतिभाशाली कहलाते हैं। हैवी हस्त ने कहा कि किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य कुशलता हो वो बालक प्रतिभाशाली है। हैविंग हस्ट ने कहा। अब्दुल राउत ने उच्च बुद्धि लब्धि से प्रतिभाशाली बालक की तरफ संकेत किया है। टर्मन ने 140 बुद्धि लब्धि बताई है। कॉलेज लेख ने कहा कि अपनी आयु स्तर के बालकों से किसी योग्यता में अधिक हो ऐसे बालकों को प्रतिभाशाली कहा जाता है। पसरीचा कहता है कि सामान्य बुद्धि से जो श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं उन बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। उसके बाद सिम्पसन और ल्यूकिन कहते हैं जिनका नाड़ी संस्थान श्रेष्ठ होता है वो बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। उसके बाद क्रिक साहब ने कहा तथ्यों, विचारों व संबंधों के साथ जो कार्य पूरा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपने ये परिभाषाएं देखी जो बोर्ड पर लिखी हुई परिभाषाएं हैं। ये हर एग्जाम में कोई ना कोई परिभाषा जरूर पूछी गई है। तो जो बोर्ड पर मैंने लिखाया है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। उसके बाद आता है प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं क्योंकि प्रतिभाशाली वाली बालक में पॉजिटिव फीचर्स भी होते हैं और नेगेटिव फीचर्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव बातें क्या क्या होती है किसमें? प्रतिभाशाली बालक में। तो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। शारीरिक विशेषताएं, बौद्धिक विशेषताएं और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं। ये पॉजिटिव विशेषताएं हैं किसकी? प्रतिभाशाली बालक की। तो देखो प्रतिभाशाली बालक में शारीरिक विशेषता क्या होती है? पहला तो उनकी ज्ञानेंद्रियां कैसी होती है? प्रखर होती है। वो किसी भी चीज को ऑब्जर्व जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से किसी भी चीज को सिखाने पर जल्दी से सीख लेते हैं क्योंकि उनकी ज्ञानेंद्रियां प्रखर होती है। वो जल्दी से किसी चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके बाद आता है जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी उनका IQ लेवल अच्छा होता है। उनका व्यवहार भी अच्छा होता है। अगर वो किसी काम को जल्दी सीख जाते हैं तो उनका व्यवहार भी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और दैनिक कार्यकलाप जो बच्चा करता है औसत आयु वाला उससे अधिक जल्दी काम वो सारे काम कर देता है। जैसे बच्चे का ब्रश करना, तैयार होना, सारे जो दैनिक एक्टिविटी है, दैनिक क्रियाकलाप है उनको वो बालक औसत बालकों से जल्दी सीख जाता है और जल्दी जल्दी उन कार्यों को कर लेता है। तो प्रतिभाशाली बालक की ज्ञानेंद्रियां प्रखर होती है,
उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, व्यवहार उनका अच्छा होता है और दैनिक कार्यों को वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये शारीरिक विशेषताएं हैं किसकी? प्रतिभाशाली बालक की। अब आती है विद्यार्थियों बौद्धिक विशेषताएं। बौद्धिक विशेषताओं की बात करें हम तो जो प्रतिभाशाली बालक है उनकी रुचियां विस्तृत होती है और विभिन्न प्रकार की होती है। उनकी रुचियों का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है। किसका? प्रतिभाशाली बालकों का। भाषात्मक विकास जो होता है उनका उच्च स्तर का होता है। किसका? प्रतिभाशाली बालक का। मौलिक विचार उनके ज्यादा आते हैं और मौलिक विचारों का निर्माण ज्यादा कर लेते हैं और कोई भी समस्या उनके सामने आती है तो उस समस्या का समाधान भी वो जल्दी से कर लेते हैं। कौन से बालक? प्रतिभाशाली बालक। उसके बाद उनका शब्द भंडार भी विशाल होता है। आत्मा भी व्यक्ति उच्च स्तर की होती है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की कैपेसिटी क्षमता उनकी बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा उनका आईक्यू लेवल 140 और इससे ऊपर का होता है। कौन से बालकों का? प्रतिभाशाली बालकों का। इसके अलावा उनमें कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास भी अच्छा होता है। उनमें डर की भावना नहीं होती है। उनकी मानसिक क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। मानसिक रूप से वो बच्चे सुदृढ़ होते हैं और किसी भी वस्तु या किसी भी चीज या किसी भी के बारे में भी वो अच्छे से जल्दी से सीख जाते हैं। ऐसे होते हैं प्रतिभाशाली बालक। उसके बाद आता है व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं। पॉजिटिव अगर विशेषताओं की बात करें तो प्रतिभाशाली बालक समाज के साथ जल्दी से समायोजित हो जाता है। उसमें प्रबंधन की क्षमता जल्दी से विकसित हो जाती है। उनमें विश्लेषण, समस्या को टुकड़ों में विभाजित करना और उस समस्या का समाधान निकालना, उसका संश्लेषण करना भी उस बालक को जल्दी आता है। कौन से बालक को? प्रतिभाशाली बालक को। हाँ, इन बालकों में संवेगात्मक रूप से ये अस्थिर होते हैं। कब गुस्सा आ जाए इस बात का कोई पता नहीं होता। इनके संवेग अस्थिर अवस्था में रहते हैं। हास्य और विनोद प्रवृत्ति के होते हैं। हंसी मजाक ज्यादा करते हैं, विनोद प्रवृत्ति के रहते हैं। हसमुख स्वभाव के ये व्यक्ति होते हैं। कौन से? प्रतिभाशाली बालक। ये तो हमने इनकी पॉजिटिव विशेषताएं देखी। किनकी? प्रतिभाशाली बालकों की। क्या क्या? पहला, ज्ञानेन्द्रियां प्रखर होती है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, व्यवहार इनका अच्छा होता है, दैनिक कार्यों को जल्दी से निपटा लेते हैं या जल्दी सीख जाते हैं अपनी औसत आयु के बालकों से। इनकी रुचियां विस्तृत और अधिक होती है। भाषात्मक विकास का स्तर इनका कैसा होता है? उच्च होता है। मौलिक विचारों का निर्माण व समाधान करने की इनमें क्या होती है? योग्यता होती है। शब्द भंडार इनका कैसा होता है? विशाल होता है। शब्द भंडार कैसा होता है? विशाल होता है। ये अपने आयु के जो आम बच्चे हैं उनके साथ कल्पना करने और दलील करने, संगठन करने और विश्लेषण करने में अधिक सफल होते हैं। कौन से बालक? प्रतिभाशाली बालक। इनमें इनका समायोजन अच्छा होता है, प्रबंध की क्षमता अच्छी होती है, विश्लेषण क्षमता अच्छी होती है, संश्लेषण क्षमता इन बालकों की अच्छी होती है। संवेगात्मक रूप से ये अस्थिर होते हैं और हास्य और विनोद प्रवृत्ति के ये बालक होते हैं। ये तो उनकी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं हुई? ये इनकी सकारात्मक विशेषताएं हुई है। अब बात आती है कि इनकी नेगेटिव क्या होती है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है प्रतिभाशाली बालक में। एक तो कक्षा कक्ष में उदासीनता का वातावरण, क्योंकि कक्षा कक्ष में जो टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है वो एक सरल लैंग्वेज में सिखाया जाता है, वो जल्दी से उस चीज को सीख जाते हैं। टीचर उसी बात को बार बार में बताता है तो कक्षा कक्ष का वातावरण उन्हें उबाऊ लगता है, बकवास लगता है, उदासीन लगता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इनकी राइटिंग लेखन जो प्रवृत्ति होती है वो अच्छी नहीं होती। वर्तनी की दृष्टि से भी ये लोग कई प्रकार की क्या कर देते हैं,
गलतियां कर देते हैं। ये बच्चे जो होते हैं ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं। कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं। और सामान्य बालकों के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया हुआ है उस पाठ्यक्रम से ये कभी भी खुश नहीं होते। इनको विशिष्ट कार्य करना होता है और सामान्य कक्षा कक्ष में उनको ये एनवायरमेंट नहीं मिल पाता है। तो ये अपने आप को कक्षा वातावरण से दूर रखने की कोशिश करते हैं। ये बालक कई बार लापरवाह भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लापरवाह भी हो जाते हैं। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं। इसके अलावा ये अभिमानी प्रकृति के भी होते हैं। तो ये नेगेटिव मेंटलिटी भी प्रतिभाशाली बालक में होती है। उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक टीचर को समझना होता है कि इन बालकों को ऐसी कौन सी एजुकेशन दी जाए ताकि इनका कक्षा कक्ष का वातावरण उदासीन ना रहे। क्या ऐसा किया जाए ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने प्रतिभाशाली बालक का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया। ये सीटेट, रीड, सेकंड ग्रेड, इन सब में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका विशिष्ट बालक का, की श्रेणी है आपका प्रतिभाशाली बालक। तो आगे के वीडियोस में हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए ताकि आगे की अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहे। धन्यवाद विद्यार्थियों।